हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से HD क्वालिटी का बैनर कैसे बना सकते हो, और क्या है ना, पिक्सल लैब एप्लीकेशन से, जो कि मैंने बनाया है, और आप भी कुछ ही टाइम में उसको बनाकर तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा कि आप HD क्वालिटी का थंबनेल कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैंने कैसा मेरे चैनल के लिए बनाया है। तो ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा मैं मेरे चैनल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए मेरा चैनल यहाँ पे ओपन होगा। ये मेरा सेकंड चैनल है, सॉरी, मैं यहाँ से अभी आपको सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है टेज धर्मेंद्र। तो गाइज, आप भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, नई नई वीडियोज आपको ट्रिक से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड मिलती रहेंगी। देखिए, ये यहाँ पे मेरा 3 नंबर में रैंक कर रहा है, ये वाला मेरा चैनल है, और आप भी जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ से आप देखिए मेरा ये बैनर कुछ इस टाइप का लगा हुआ है, और ये मेरे कुछ वीडियोज हैं। ठीक है, तो ये देखिए चैनल आ चुका है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो बैनर बनाने के लिए आपके पास सिंपल सा एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास होगा, नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लीजिए, पिक्सल लैब एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए ये मेरा ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद इसको ऑब्जेक्ट करेंगे रिमूव, और इसमें मैंने क्या है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूँ, उसको जाके आप डाउनलोड कर देना। ठीक है ना, उसी पे मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, पहले मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का है, जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाके आप डाउनलोड कर लेना, तो ऐसा ओपन होगा। अभी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना आप मतलब एकदम अच्छे अच्छे क्वालिटी का, और आपका सही से फिट भी हो जाएगा, वरना आप मतलब प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्या करना है, हमको अपना YouTube का लोगो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमको मेरा YouTube का जो भी लोगो आपका है उसको पेस्ट कर देना, मेरा तो ये वाला है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ पे सही से फिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको भी वैसे ही कर लेना है। देखिए, थोड़ा सा और छोटा करना है। ठीक है, अब क्या है ना, आपको यहाँ पे एक YouTube का लोगो, ठीक है, यहाँ पे आने के, ये देखिए, इस पर पहले क्लिक करना है, पहले इस पर, फिर क्या ना, ये इंपोर्ट वाले पे यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, इंपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से एक YouTube का लोगो ले लेना है। यहाँ से अभी मेरा ये एक YouTube का, आपका शॉर्ट चैनल है तो शॉर्ट वाला लोगो ले लेना है, वरना आपका लॉन्ग वीडियो का चैनल है तो उसका ले लेना है। ठीक है, डाउनलोड में जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे ये मेरा मिल गया। ठीक है, अब मैं इसको भी छोटा करके वहीं पे लगा देता हूँ, थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे देना है, सिंपल सा। यहाँ पे जैसे आपके चैनल का जो भी नाम है उसको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे मेरे चैनल का नाम है, मैं दे रहा हूँ, मेरे चैनल का नाम है टेज धर्मेंद्र। ठीक है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ से ये मेरा चैनल का नाम हो गया। अब मैं इसका फॉन्ट मतलब चेंज करूँगा, तो ये AB लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो भी मेरे को फॉन्ट स्टाइल लेना है उसको मैं कर लूँगा। ठीक है, जैसे मेरे को ये वाला लेना है तो ले लिया हूँ। अब इसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे एक कलर वाला ऑप्शन होगा, ये रखा, ये रहा कलर, ये यार कहाँ गया, जैसे ये, ठीक है, अब ये रहा कलर। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी कलर लेना है, और देखिए यहाँ पे एक आता है ये वाला, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसमें जितना सेलेक्ट करेंगे उसमें उतना ही कलर जाएगा। देखिए, जैसे मेरे को टेज का कलर चेंज करना है, ठीक है ना, यहाँ से अब मेरे को करना है पीला, देखिए पीला हो गया। ठीक है ना, जैसे, ठीक है ना, ये अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे रेड करना है तो रेड हो गया। ठीक है, जैसे टेच में आपको कुछ करना है तो टी में, तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शेडो वगैरह अगर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है,
यहाँ से शेडो रेड करना है तो रेड, वाइट करना है तो वाइट, मतलब ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप देखिए कुछ ऐसे बन के तैयार हो चुका है। ऐसे ही आप भी बना सकते हैं एकदम एचडी क्वालिटी का। अब यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट इमेज पे, इमेज पर क्लिक करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सेव गैलरी वाले ऑप्शन पे, सेव टू गैलरी, इस पर क्लिक करके यहाँ पे सिंपल सा आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या है ना ये वीडियो शेयर भी कर देना जिसको भी जरूरत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।